जाओ बाबा। सकीना हो गई तन्हा, लौट के घर आ जाओ बाबा, लौट के घर आ जाओ बाबा, लौट के घर आ जाओ बाबा। बाबा ये माहौल है कैसा, जुल्म का है अंदाज निराला, ये माहौल है कैसा, जुल्म का है अंदाज निराला। काश चचा जाता मेरा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, लौट के घर आ जाओ बाबा, मुझे गोदी में उठा लो, मुझे गोदी में उठा लो बाबा, मुझे सीने से लगा लो, मुझे गोदी में उठा लो बाबा, मुझे सीने से लगा लो। खाक पे है बेचैन सकीना, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, के घर आ जाओ बाबा, के घर आ जाओ बाबा, के घर आ जाओ बाबा। जान भी ले ले तशना दहानी, ले ले तशना दहानी, अब नहीं मांगूंगी मैं पानी, ले ले तशना दहानी, अब नहीं मांगू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लबैक या हुसैन। मैं सैयद फ़ैया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम जैसे ही माह अज़ा का आगाज़ होता है, फलक पे माह मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, तो उसी के साथ हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, कादिम सैयद फ़ैया हुसैन, तमाम टीम ये कोशिश करती है कि शहर हैदराबाद, दक्कन और अतराफ अकनाफ के इलाकों के जितने अज़ाखाने हैं, आशुखाने हैं, उन तमाम की तफसीलात आप तमाम के रूबरू पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। साले गुज़िश्ता भी हमने इसी तरह इबादत में मसरूफ़ रहे और आप तमाम भी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इस साल भी हम ये तमाम अज़ाखाने आशुखानों की तफसीलात बयान कर रहे हैं। आप तमाम को भी अगर कोई आशुखाने की तफसीलात हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए पेश करना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा से रब्त पैदा करके और उनसे रब्त पैदा करिए, और कहाँ है अज़ाखाना और तबरुक क्या है उसमें, और अल-मुबारक कितने बरस से इस्ताद किए जा रहे हैं, और यहाँ के आशुखाने के अहतमाम क्या है और खसूसियत क्या है, तमाम तफसीलात हम आप तमाम नाज़रीन और सामईन को पेश करेंगे। इस वक्त मैं मलक ओल्ड ख़दीम मलक पेट पानी की टाँकी वाहिद नगर में हूँ, और यहाँ पे मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से एक आशुखाना मंसूब है, और करीब 32 बरस हो चुके हैं इससे कबल है आशुखाना, और इसमें क्या तबरुकात है, तमाम तफसीलात यहाँ के जो खादिम हैं मीर अब्बास अली साहब और उनके फर्दंदान, मैं उनसे दरियाफ़ करूँगा कि यहाँ पे जो अल-मुबारक इस्तादगी अमल में आई है तो किसके तबरुकात हैं, कब से हैं, क्या है ये मंसूब हैं, तो ये कहाँ से अल-मुबारक लाए गए, ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करूँगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि जो अल-मुबारक हैं बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, वली असर के नाम से जो अल-मुबारक मंसूब है, तो ये तमाम तफसीलात आप बताएँ कि कब से हैं, कहाँ से ये अल-मुबारक लाए गए। ठीक है, मैं बताऊँगा। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये छोटे आगा बाबुल हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मुबारक करबला से लेके आए थे, हमारे खाला लेके आए थे वो, तो उस ज़माने में जो लेके आए थे, जब से हम इस्तात कर रहे हैं 1990 से हम इस्तात कर रहे हैं, तो आज तक भी वही पंजा है, कुछ भी चेंज है वो तबरुक में, जैसा एज इट इज़ है वो वैसे ही इस्तात कर रहे हैं हम लोग 1990 से वो। और दूसरे मुबारक जो है मौला मुश्किल शाह अलैहिस्सलाम के, वो भी उसी ज़माने से इस्तात करें, लेकिन यहाँ पर हमारे वालदा बनवा के इस्तात करे से वो, ठीक है। और उसके बाद और एक बारहवें इमाम साहिब अलैहिस्सलाम के मुबारक है, वो भी यहाँ की छः, यहाँ पर हम लोग बनवा के इस्तात करें, तो एक ही साथ आशुर खाना इस्तात करे से, जो आज तक भी वही इफ्तिदा से चल रहे से हमारा। यहाँ की कोई मखसूस मजलिस बताइए जो 7 मुहर्रम को होती है, ठीक 5 बजे अपने अंजुमन हैदरी आती हैं, हैदरिया अलहिन आती है, और एक सज्जादी आती है, 2 अंजुमन ठीक 5 बजे 7 मुहर्रम को है। और 8 मुहर्रम को जो अलम उठती है वो हज़रत अब्बास के जो अलम उठते हैं, वो अंजुमनों का इंतज़ाम न होने की वजह से हम लोग जनाने में उठा रहे हैं वो अलम। और 20 मुहर्रम को जनानी मजलिस होती है, दिन में 1 बजे होती है। उसके बाद देखिए दूसरी 24 सफर को होती है, जनानी मजलिस होती है, जरी उठती है उसमें भी, वो भी ये जो 20 मुहर्रम को जो 20 माह मुहर्रम को जो मजलिस हो रही है जनानी, उसमें भी किसी की सवारी या किसी के अलम बरक उठते हैं वो यहाँ पर अपन बनवाए से अपन। किसके नाम से? शहजादी सकीना के नाम से, वो यहाँ पर अपन इस्ताद करे से अपन, अली सलाम का झूला उठता है 7 मई। तो ये 24 माह सफ़र का जो आपने जिक्र किया वो शहजादी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहिस्सलाम के? जी वो भी शहजादी ज़ैनब सलामत उठती है, वो ज़री उठती है शाम के टाइम, जी जनाने में उठती है वो भी। तो जैसे ये आशुखाना मौलाए कायनात के नाम से मंसूब है और मुबारक भी है, तो मौलाए कायनात की शहादत पे मजलिस वो जनाने में करते हैं हम लोग, सहर का भी इंतज़ाम होता है, इफ्तार का भी करते हैं हम लोग 19 के दिन रात में, और 20 के दिन रात में अपने पास जैसा अपन मौला ली जाते हैं मर्दाने से, उसी तरह यहाँ पर जनाने का इंतज़ाम होता है, और रात में अलम उठते हैं अपने पास, और उसी टाइम पर इफ्तार भी रखते हैं 19 की शब में, और 20 की शब में जो है अलम उठते हैं जनाने में उठते हैं पूरे, तकरीबन अपने ओल्ड सिटी के भी लोग आते हैं, थोड़े ख़ानदान के भी लोग रहते हैं उसमें। खिदमत गुजार हैं मैं, हमारे हमरा हामिद हुसैन जाफरी साहब भी हैं, इन्हीं की जो मेहनतें इनके साथ भी रहती हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि कोई अज़ा खाना हो या आशुर खाना हो या भी कौम मिल्लत की जैसे खिदमत हो उस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ये अज़ा खाने में भी यहाँ पर भी खिदमत करते हैं, और ये खानवादा इन्हीं से वाबस्ता है, और इन्होंने ये तमाम आशुर खाने की तफसीलात के लिए हमें रब पैदा की। तो मैं भी ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अज़ा खाना आशुर खाना हमारे शहर हैदराबाद और अतराफ़ अकनाफ है, तो हमारे वानी हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में या उनके फ़ोन नंबर्स पर रब पैदा करें। तो इस सिलसिले में इस अज़ा खाने की तफसील के लिए मैं हमारे ज़हमत दूंगा हामिद हुसैन जाफरी साहब से कि अज़ा खाने की तमाम तफसीलात बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, लब्बैक या हुसैन। सबसे पहले शिया याम टीवी का मैं मशकूर हूँ और फैयाज़ हुसैन साहब का, अपनी गुनाह को मसरूफियात के बावजूद हाशिम अली साहब चेयरमैन और उनके डायरेक्टर और कैमरामैन और एंकर जनाब मौलाना फैयाज़ साहब, यहाँ आज मलकपेट वाहिद नगर कॉलोनी में हम लोग है, ये मलकपेट पानी की टाँकी के पीछे, ये एक कदीम आशुर खाना है, आशुर खाने अमीर अल मोमिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के नाम से। ये आशुर खाने में माह मुहर्रम के अशरे अव्वल में चांद रात को ही जो है तो यहाँ पर अलम मुबारक इस्तादगी अमल में आती है, और 7 मुहर्रम को मखसूसी होती है, 7 मुहर्रम को जो मखसूसी होती है उसमें हमारे दारू शपाटे मातमी अंजुमन आते हैं, मैं भी आता हूँ, हम लोग शिरकत करते हैं। ये सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बास हुसैन साहब जो एक एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय के बाद में उनके दिल में उनकी अहलिया के पास ये ख्वाहिश थी कि तो उनका घर भी एक अज़ा खाना बने आशुर खाना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 1980 से बराबर जो है 1990 से इस मुकाम पर आशुर खाना है अलम मुबारक के, मर्दानी 2 या 3 मजालिस में होते हैं फैया साहब, उसके बाद जनानी मजालिस में होते हैं, आशुरे को यह तो मखसूसी होती है, फिर 12 मुहर्रम को मखसूसी होती है, अलम उठते हैं और अंदरी अलम उठते हैं, शहर की मातमी अंजुमने आती हैं, मातम करती हैं, 7 मुहर्रम की मखसूसी के बाद 13 रजब की मखसूसी होती है, 12 रजब की मखसूसी है, और शहादत के तो मौके पर शहादत की तो और फिर गदीर में भी होती है। ये सिलसिला जो है अब्बास हुसैन साहब ये हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, हमारी अंजुमन से भी वाबस्ता है, हमारी कमेटी से वाबस्ता है, उनकी दिली ख्वाहिश थी आशुर खाना इस मुकाम पर बने। तो हम लोग जो है तो यूँ तो कई मुकाम पर दूर दराज से आप लोगों का कितनी बड़ी फैल है मैं समझता हूँ, मैं पिछले शिया कौम में खिदमत सोशल सर्विसेज करते हुए आ रहा हूँ, तो जितना रिकॉर्ड याम शिया चैनल ने तो माह मुहर्रम में जमा किया तो उससे पहले जो तो किसी ने भी नहीं किया, हालांकि और भी बहुत सारे तंजीमें थे, बहुत सारे चैनल थे, बहुत सारे, हाँ मेरे पास जो नज़र आया है कि मैं आज इस बारगाह में ठहर के बड़ी साफाई से कहूँगा कि आज़ादारी हैदराबाद एक किताब अल्लामा जो तो ज़ाकिर अहले बैत बानी मदरसे जाफरिया
जनाब तकी हसन वफा था आपकी किताब, जिसमें हैदराबाद के तमाम आशुरखाने थे। उसके बाद जो है तो फिर यामशिया चैनल ने जो है तो जो तब्दीली हमारे मुल्क में हमारे हैदराबाद में आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हैदराबाद ग्रेटर जो है तो 70 किलोमीटर के ऊपर है ग्रेटर हैदराबाद। तो चारों सिमत में जितने आशुरखाने उसकी आप लोग ने कवरेज की, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलकपेट भाजनगर कॉलोनी में जब ये आशुरखाना अभी इस साल पूरा मुकम्मल जो है तो 2 मंजिला बना, ऊपर जनाने के लिए इंतमाम है, नीचे मर्दाने का है और आशुरखाना है, जनानी मजलिस है, मर्दानी मजलिस है और दीगर। तो इस सिलसिले में तो हमेशा जो है हमारे अब्बास हुसैन साहब जो उनकी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अलील है, उनके फर्जन है जाफर है और उनके और फर्जन है, दीगर 4-5 भाई है लोग, और उन अब्बास साहब की अहलिया की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि उनके घर में उनकी बहुएँ बच्चे इस आशुरखाने में खिदमत अंजाम दें। तो इस साल जो है 15 रमज़ान को इस आशुरखाने का फिर से दोबारा तामीर हुई, मुकम्मल ऐसी तामीर हुई जिसमें तो तकरीबन 300-400 लोग मोमिनीन शिरकत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ये आशुरखाने की तामीर ये बिल्कुल वालिद मोहतरम अब्बास हुसैन साहब जो जाफर के और इनके कायम के वालिद हैं, इन्होंने अपनी ज़ाती खर्चे से जो तो इसको तामीर किया है, ना ही तो किसी किस्म का कोई भी ये तो कोई डोनेशन उनकी फैमिली से या किसी भी नहीं, ये हमेशा अपनी खुद से ये लोग काम करते हैं। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी जो है मैं जाफर साहब को अब्बास साहब को कायम और उनके बड़े भाई जितने भी अफराद मेंबर है और उनकी वालदा मोहतरमा के हक में दुआ गो कि उन्होंने इस आशुरखाने को संभाल के रखा और इसकी ये तो खसूसियात को ये तो उन्होंने रखा है। इसमें जनानी प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। मैं इस चैनल के द्वारा जो तो आपके शिया याम चैनल से यहाँ अतराफ में कोई आशुरखाना नहीं है बल्कि कुछ शिया मोमिन के घर हैं, और अगर वो लोग कुछ नियाज नज़र या आलम मुबारक की इस्तादगी है तो आप जो तो यहाँ पर आए अब्बास हुसैन साहब के फैमिली मेम्बर से मुलाकात करके कोई तगर तारीख बुक कराए, किसी किस्म का कोई हर्जाना या किसी किस्म का कोई आपसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अपनी नज़र नियाज या छोटे मोटे मजालिस जो 100-150 आदमी लोग आ सकते हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा मौलाना फयाज़ हुसैन साहब जो यामटिया टीवी के तो बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो मुसलसिल गुनागो मसरूफियात है, और इस साल 2022 में आपने जो एक रिकॉर्ड जमा किया हाशिम अली साहब, फयाज साहब और डायरेक्टर साहब जो है ना और कैमरामैन ने बड़ी कामयाबी के साथ 20 से ज़्यादा मस्जिदों को शेयर की। आपने ये तो बताया कि शिया हजरात आमाल भी करते हैं, मजलिस भी करते हैं, मातम भी करते हैं और पंचवक्ता नमाजें भी होती है, और बिलखसूस माह रमज़ान में जो है जो आमाल होते हैं वो पूरे आमाल बजा लाते हैं, जिसका आपका ने एक बड़ा फाइल रिकॉर्ड हुई है जो दुनिया भर से जो तो आप लोगों के चैनल को लाइक कर रहे हैं। मैं उन मोमिनीन के लिए भी जो मोमिनीन जो तो यामशिया चैनल पर अपने प्रोग्राम देख रहे हैं, मुसलसिल जो जो प्रोग्राम मजहबी होते हैं तारीख़ की मुनासिबत से वो प्रोग्राम शाया करते हैं, मैं आपकी मज़ीद तरक्की के लिए मैं इस मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि तो आप लोग को शिया याम टीवी के हाशिम अली मिर्ज़ा, फयाज हुसैन साहब और डायरेक्टर साहब और कैमरामैन और आप लोगों के जितने वेल विशर्स है यानी आप लोगों के जितने लोग भी है उन सबको ये तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह पंज तने पाक की बारगाह में दुआ गो। हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानब से मीर अब्बास हुसैन साहब उनके खानवादे बिलखसूस हामिद हुसैन जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन सामेईन ये आशुखाने के सिलसिले में तफसीलात जैसे हामिद हुसैन जाफरी ने बताई कि इस आशुखाने में जो तबर्रुक है वो यहाँ पर जो है मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक उस्ताद हैं और वो करबला मौला से मंगवाए गए हैं, वो यहाँ पर हदिया है और इल्म मुबारक दूसरे भी मौजूद हैं, और ये तमाम ज़ियारत के लिए आप आ सकते हैं किसी भी रुख, और हम इंशाल्लाह इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप तमाम हजरत यहाँ रब पैदा करें। और अतराफ़ व अकनाफ़ के जो इलाके हैं वो लोग चाहते हैं कि मजलिस और नजर व नियाज हो तो इसका अहतमाम ये करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम जो है खिदमत का है, इसका कोई उजरत और लेना नहीं चाहते और कोई मुआवजा नहीं रखा गया, इसका ख्याल रखें। और आखिर में मैं आप तमाम नाज़रीन और सामईन से दुआ की गुजारिश करता हूँ, इसी तरह आप दुआ करें परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखसूस गम हुसैन के सदक़े में हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, हमारे कौम व मिल्लत में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ अता फरमा, और हमारा खातिमा ईमान पर फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको बा ईमान नासिरों में शुमार फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख्सत होता है, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है।